Welcome to my class. My name is Ravad, और आज हम इस lecture में cover करने वाले हैं ठीक है आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें एक वेरिएबल के ऊपर बात होती है लेकिन इस चैप्टर में क्या आने वाले हैं टू वेरिएबल्स दैट मीन्स हम जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेश उनमें टू वेरिएबल्स लीनियर लीनियक्वेश के बारे में पढ़ेंगे ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम पढ़ रहे हैं लीनियर लीनियक्वेशंस के बारे में तो इक्वेशन्स क्या होती हैं लीनियर इक्वेशन्स क्या होती हैं इक्वेशन कैसे बनती हैं उसमें जो हमारे uh, वर्ड्स आते हैं लाइक वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट ये होते क्या है इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ओके सो so, फर्स्ट है हमारा वेरिएबल अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज वेरिएबल वर्ड से ही पता चल रहा है वेरी वैरी मतलब चेंज होते रहना मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू जिसकी नहीं होती जो हर बार चेंज होता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं वेरिएबल सो यहाँ पर एक वेरिएबल है उसे हम क्या कर सकते हैं कोई सी भी अलग अलग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हम उस पर पुट कर सकते हैं okay? ओके आगे इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड उसकी कोई भी वैल्यू क्या होती है फिक्स्ड नहीं होती ओके okay? वेरिएबल्स आर डिनोटेड or the लेटर्स द एल्फाबेट सच as एक्स वाई जेड एल एम एन पी एटसेट्रा अब वेरिएबल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है तो किस लिए किया जाता है किससे अल्फाबेट्स से ठीक है जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी आप किसी भी अल्फ़ाबेट्स का यूज करके वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो अब हम अल्फाबेट्स क्यों यूज करते हैं क्योंकि अगर कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपने देखा होगा फर्स्ट लाइन ने बोला है कि वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट मीन्स अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे वेरिएबल एक्स फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे वेरिएबल एक्स तो दैट मीन्स एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है दैट मीन्स एक्स की जगह मैं ज़ीरो ले सकती हूँ वन पुट कर सकती हूँ थ्री पुट कर सकती हूँ दैट मीन्स की वैल्यू क्या क्या है फिक्सड नहीं है और यहाँ पे अल्फाबेट से मैं क्या कर सकती हूँ कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर पुट कर सकती हूँ क्लियर है सो so, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो वेरिएबल्स कहलाते हैं अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट वर्ड क्या होता है फिक्स कॉन्स्टेंट का मतलब ही क्या होता है फिक्स होता है ठीक है सो कॉन्स्टेंट टर्म इज़ अ टर्म दैट कंटेन्स ऑनली अ नंबर अब कॉन्स्टेंट एक ऐसी टर्म होती है जो सिर्फ किससे रिप्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर नंबर से ठीक है इन अदर वर्ड्स देयर इज नो वेरिएबल इन अ कॉन्स्टेंट टर्म और या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कॉन्स्टेंट टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है दैट मीन्स वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होता जो आपने नंबर पुट किया वही क्या कहलाएगा हमारा कॉन्सटेंट कहलाएगा जैसे कि एग्जाम्पल फोर एट एटसेट्रा अगर मैं यहाँ पे फोर की बात कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है फोर है अगर मैं कहीं पर वैल्यू लिखूंगी ये तो ये फ़ोर का फोर ही रहेगा वैल्यू मतलब क्या है फिक्स्ड है ओके सो यहाँ पर वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं जहां पर वो वैल्यूज चेंज होती है उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स क्लियर है चलिए आगे देखिए अब हमने यहाँ पे जो नॉर्मल वर्ड्स हैं जो यूज़ में आते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में या फिर इक्वेशंस में वो हमने यहाँ देखे अब बात करेंगे हम एल्जैब्रिक एक्सप्रेशंस की एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन आर मेड ऑफ नंबर्स सिम्बल्स एंड द बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या कहा गया है अभी जैसे हमने पढ़ा वेरिएबल्स पढ़े कॉन्स्टेंट पढ़े और हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी पता है जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना सो so, अब क्या होता है एल्जेब्रिकलैब्रिक एक्सप्रेशंस uh, uh, क्या होते हैं इन सभी का वेरिएबल्स का कॉन्स्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उनका पूरा कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है किस तरीके से यहां देखिए सो एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन आर मेड मेड ऑफ मतलब ये किससे बने हुए होते हैं नंबर्स सिम्बल्स एंड द बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन ओके अब यहाँ पर देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस थ्री वाई अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास नंबर भी आ रहा है यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स भी हैं दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई मतलब एक्स और वाई की जगह मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ साथ ही साथ बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है That means, ये जो पूरा क्लियर है बिल्कुल है। है जैसे कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव रूट एक्स अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें नंबर्स आ रहे हैं इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहे हैं ठीक है और इनका पूरा कंबाइंड फॉर्म ये पूरा का पूरी जो हमारे कंबाइंड फॉर्म है ये क्या कहलाती है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है क्लियर है सो दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर नाउ अब बात करते हैं हम इक्वेशन के बारे में चलिए अब इक्वेशन में क्या है अ स्टेटमेंट इन विच टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल इज नोन एज इक्वेशन हमने वेरिएबल्स पढ़े अब इसके बाद हमने एक्सप्रेशन भी देख लिए कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं अब अगर कोई आपस में इक्वल होते हैं जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा टू एक्स प्लस टू जीरो जहां पर भी क्या जाता आ जाता है एक इक्वल का साइन आ जाता है मतलब कोई भी दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल हैं दैट मीन्स वो पूरी जो मेरे पास पूरा जो फॉर्म मुझे मिलेगा वो क्या कहलाएगा मेरा इक्वेशन कहलाएगा अब इसकी डेफिनेशन पे जाइए स्टेटमेंट इन विच एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल जिसमें कोई भी दो एलजेब्रिक दो दो से तीन आप जितने भी लोग वो आपस में क्या हो इक्वल अगर हो ठीक है उनके बीच में किसका साइन हो इक्वल का साइन हो तो वो हमारा क्या कहलाता है इक्वेशन कहलाता है वर्ड से ही पता चल रहा है इक्वेशन दैट इज इक्वेलिटी का वहां पे साइन आना चाहिए ठीक है जैसे कि एग्जांपल यहां पर दूसरा देखिए टू वाई अपॉन थ्री प्लस वन इक्व टू वाई अपॉन थ्री आप देखोगे एक एक्सप्रेशन तो यहां पर है एक एक्सप्रेशन यहां पर है और दोनों ही आपस में क्या है इक्वल है दैट मीन्स यहां दो एक्सप्रेशन जो दो एक्सप्रेशन है वो यहाँ इक्वल है आपस में दैट मीन्स ये पूरा जो फॉर्म बन रहा है क्या Equation क्या ये क्या कहलाएगा इक्वेशन कहलाएगा क्या कहलाएगा ये इक्वेशन क्लियर है बिल्कुल अब बात करेंगे इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? वर्ड से ही पता चल जाएगा लीनियर लीनियर जिसमें जो डिग्री होती है इक्वेशन की वो क्या होती है देखिए इनवॉलिंग लीनियर अ लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लीनियर पोलिनोम हो लीनियर पोलिनोम दैट मीनस कि पावर क्या हो डिग्री क्या हो इक्वेशन की ओनली वन हो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन क्लियर है जैसे कि थ्री एक्स अपॉन टू प्लस फोर इक्व टू टू एक्स माइनस थ्री अब डिग्री कैसे पता करते हैं किसी इक्वेशन की पर्टिकुलर किसी भी इक्वेशन की जब हमें डिग्री फाइंड करनी होती है तो हम वेरिएबल को देखते हैं इसमें वेरिएबल क्या है एक्स यहाँ पर भी एक्स पावर देखिए पावर क्या है इसकी यहाँ पे कुछ नहीं है दैट मीन्स वन यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स ऊपर वन आप देखोगे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है वन है दैट मीन्स ये लीनियर पोलिनोमियल है और ये इक्वेशन भी क्या कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन क्लियर है बिल्कुल चलिए अब एक यहाँ पर नोट है क्या जो आपको ध्यान में रखना है अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है एक लीनियर इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ठीक है क्या होती है ए एक्स प्लस बी क्वल टू जीरो क्या कहा गया है एक फॉर्मेट है जो दिया गया है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक वेरिएबल में जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो वन वेरिएबल के लिए ठीक है थीके? अब हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं टू वेरिएबल्स के बारे में तो वहां पर स्टैंडर्ड नहीं होगा स्टैंडर्ड इसके लिए ओनली होता है लीनियर इक्वेशन इन वन पे वन वेरिएबल की बात हो रही है अब जब टू वेरिएबल्स की हम बात करेंगे तो वो दोनों वेरिएबल किसी भी फॉर्मेट में हमको मिल सकते हैं ठीक है चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए जिसमें वेरिएबल के साथ वाले जो कॉफिशियंट होता है वेरिएबल के साथ में जो होता है प्रोडक्ट में वो क्या कहलाता है हमारा कॉफिशियन कॉफिशियन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता और साथ ही साथ जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कौन से नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स क्लियर है बिल्कुल चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए यहां पर सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है रूट ओके सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं कैसे पता करते हैं और होता क्या है वो हम यहां पर देखेंगे ओके चलिए फर्स्ट यहां पे देखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बोला गया है अभी हमने देखा इक्वेशंस क्या होती हैं? दो एक्सप्रेशंस होते हैं अगर हम उन्हें सामने इक्वल रख दें, तो वो पूरा क्या बना देते हैं हमारी इक्वेशन बना देते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अगर लू मेरे पास एक्सप्रेशन है यहां पर टू एक्स प्लस थ्री ओके यहां पर है टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस थ्री और यहां पर है मेरे पास फाइव एक्स प्लस थ्री वाई ओके यहाँ ये भी क्या है एक्सप्रेशन है ये भी क्या है एक्सप्रेशन है अगर मैं बीच में किसका साइन लगा दूँ इक्वल का तो ये पूरा मेरे पास क्या बन गया है इक्वेशन तैयार हो गई है क्या बन गई है इक्वेशन ओके समझ में आया अब यहां पर ये यह इक्वेशन बन चुकी है अब यहां पर क्या बोला गया है हमारा स्टेटमेंट यहां पर क्या था द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल क्या कहा गया है देखिए क्या कहा गया है यहां पे अब यहां पर वेरिएबल क्या है एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स ये क्या है हमारे पास वेरिएबल्स हैं अब ये स्टेटमेंट अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का तो वो सॉल्यूशन क्या होगा एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जिस पर ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं दैट मींस ये इक्वेशन पूरी प्रूफ हो रही है ठीक है सेटिस्फाई कर रही है मतलब एक्स और वाई की ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपस में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो वो जो वैल्यूज होती हैं इनकी वही क्या होता है सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का क्लियर है क्या कहा गया देखो दोबारा सुनो क्या बोला है कि दो एक्सप्रेशन है और ये इक्वल का साइन लगाते हैं ये पूरा क्या बन जा रहा है हमारे पास इक्वेशन क्लियर है अब यहां पर देखिए अब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं दो एक्स एंड वाई क्लियर है, ठीक है एक्स एंड वाई है अब इस एक्स और वाई की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज जिसमें मैं पुट करूं अगर इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो वो दोनों आपस में क्या हो इक्वल प्रूव हो जाए तो वो वैल्यूज हमारी क्या होंगी वही वैल्यूज इस इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाती है क्लियर है चलिए अब देखिए आगे तो यहां पर आप फिर से इसको पढ़िए क्या लिखा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेरिएबल्स की वो पॉसिबल वैल्यू विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन जो इक्वेशन की दोनों साइड को ठीक है इक्वल क्या कर दे इक्वल प्रूफ कर दे एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन और इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इज कॉल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो वो वैल्यूज ही क्या कहलाती है उस इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाती है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और क्या वर्ड में यूज में लिया जाता है रूट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन की जगह वर्ड क्या लिया जाएगा रूट भी वर्ड यूज में लिया जाता है क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट चले आगे बढ़ते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन अब ये तो हमने देख लिया कि सॉल्यूशन निकाला जाता है तो वो सॉल्यूशन होता क्या है रूट्स होते क्या है लीनियर इक्वेशन के ठीक है अब फाइंड कैसे किया जाता है किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है जो रूट्स हैं वो फाइंड कैसे करें वो हम यहाँ पे देखेंगे ओके सो रूल्स क्या है यहाँ पे पहला रूल फर्स्ट रूल क्या है जब भी किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो पर्टिकुलर रूल्स जो है वो फॉलो हमें करने होते हैं कोई सी भी चीज़ हो जिसमें भी हम आ, कुछ भी अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं कोई सी भी चीज़ हमारे पास पकड़ा दी कोई क्वेश्चन हमें दे दिया तो कुछ भी हमें सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमेशा कुछ रूल्स उसके होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं आंसर फाइंड करने के लिए सिमिलरली कोई भी इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें ब्रेक नहीं करने होते तो उन रूल्स में से यहां पर है फर्स्ट क्या है द सेम नंबर इज एडेड और सब्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन द रिजल्टिंग इक्वेशन इज इक्वल टू द फर्स्ट क्या कहा गया चलिए इसको समझते हैं क्या कहा क्या गया इसमें यहां पे यह कहा गया है अगर जैसे कि मैं यहां पर ले लू टू एक्स प्लस एंड फाइव एक्स प्लस थी बाई यही इक्वेशन हम ले, ले लेते हैं तो वहां पे पहला रूल क्या बोला गया है पहला रूल ये कहा गया है कि अगर कोई सा भी नंबर पर्टिकुलर एक नंबर जैसे कि मैं ले लेती हूं फोर मैंने इस फोर को ये क्वेश्चन है मेरे पास ठीक है जिसका मैंने ये अभी अभी, अभी अ, लेफ्ट साइड लिया लेफ्ट साइड ने मैंने फोर ऐड कर दिया ठीक है और यहां पर राइट साइड में भी मैंने क्या ऐड कर दिया फोर एड कर दिया अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम नंबर एड कर दो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी इक्वेशन क्या रहेगी इक्वल रहेगी और साथ ही साथ ये इक्वेशन सेम पहली वाली इक्वेशन के क्या रहेगी इक्वल एंड रहेगी मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एज इट इज सेम रहेगी ओके अब यहां मैंने प्लस फोर किया है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूं टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन इक्वस टू फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन अब मैंने इस दोनों इक्वेशन के दोनों साइड से क्या कर दिया माइनस वन माइनस वन कर दिया तो भी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये भी इक्वेशन तीनों ही क्या है सेम इक्वेशन है ओके okay? तो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे क्या है कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम नंबर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारा जो इक्वेशन होता है वो फर्स्ट इक्वेशन के क्या रहेगा हमेशा बराबर रहेगा इक्वलेंट रहेगा क्लियर है चलिए अब सेकेंड यहां पर रूल की बात करते हैं इफ बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर अब प्लस माइनस तो हमने देख लिया अगर मल्टीप्लाई कर दें हम किसी से ठीक है क्या बोला है इफ़ बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड को ठीक है दोनों साइड को किसी पर्टिकुलर सेम नॉन ज़ीरो नंबर से नॉन जीरो मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए ठीक है अगर उससे हम यहाँ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो पहली वाली इक्वेशन के क्या रहेगी इक्वलेंट रहेगी सेम फर्स्ट रूल है बट इस बार क्या है मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से इसी को लेके लेकर चलेक्स प्लस क्या है थ्री वाई है means, अगर मैं यहां पर क्या कर देती हूँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ टू एक्स प्लस थ्री को मैं यहां पर मल्टीप्लाई करती हूँ सेवन से और यहां पर फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इसे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ सेवन से और ये मेरे पास इक्विटी का साइन रहेगा हमेशा इक्वल का साइन हमेशा रहेगा अगर आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो इक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा वो इक्वल ही रहेंगे क्योंकि हम सेम जो चीज़ यहां कर रहे हैं वो चीज़ वहां कर रहे ओके अब बात यहाँ पे क्या कर, क्या कही जा रही है उस वो जो स्टेटमेंट है सेकेंड रूल जो है वो क्या कह रहा है कि किस किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड को अगर मैं किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ ठीक है तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से तो मैंने सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया इसको सॉल्व करो तो सेवन टू जॉ फोर्टीन एक्स प्लस सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन इक्व टू सेवन फाइव जॉ थर्टी फाइव एक्स प्लस सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन वाई ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो ऐसा बन रहा है और भी आगे ये सॉल्व हो सकता है ठीक है अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये दोनों ही क्या रहेंगी आपस में इक्वलेंट रहेंगी दैट मीन्स कि आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को क्या कर दो दो इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो लेकिन तो भी जो इक्वेशन नहीं बनेगी वो क्या होगी पहली वाली इक्वेशन की क्या रहेगी इक्वल रहेगी ठीक है दोनों जो स्टेटमेंट हैं दोनों जो रूल्स हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम है बस ऑपरेशन चेंज कर दिए गए ओके चलिए अब यहाँ पे एक रिमार्क क्या दिया गया है एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो जिसका और वे वन वेरिएबल वन वेरिएबल का ठीक है अभी हम यहाँ टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं लेकिन अगर वन वेरिएबल की अगर मैं बात करती हूँ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है यूनिक होता है दैट मींस अलग होता है सबसे अलग होता है मतलब एक ही हमारे पास उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा क्लियर है चलिए आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट है यहां पर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स अब इसमें हो अब देखो अभी हमने इक्वेशंस uh, के बारे में पढ़ा लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया ठीक है अब यहाँ पर पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स अब हम बात करेंगे ओनली टू वेरिएबल्स ऐसी इक्वेशन जिसमें कितनी वेरिएबल्स हैं टू वेरिएबल्स हैं तो अब यहाँ डेफिनेशन क्या है इसकी एन इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती क्या है उसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो अब आप ध्यान देना अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था नीचे नोट कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था ए एक्स प्लस बी इक्वस टू क्या था जीरो था ऐसा ही कुछ था अब आप यहां ध्यान दोगे यहां पर जब दो वेरिएबल्स की मैं यहां बात कर रही हूं तो क्या लिखा है एक ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्मेट में हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टू जीरो के फॉर्मेट में हो ठीक है जहां पर ए बी एंड सी क्या हो रियल नंबर्स हो दैट मीन्स वन टू थ्री आप कोई से भी रियल नंबर ले लो ठीक है एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो और वो जीरो ना हो ठीक है जीरो नहीं होने चाहिए रियल नंबर्स में से कोई सा भी नंबर हो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई क्या कहा गया दोबारा मैं से रिपीट कर रही हूं एक ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्मेट में हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन होती है तो वो क्या कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाती है लेकिन उसमें कंडीशन है कंडीशन क्या है यहाँ पर कंडीशन है कि ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए और ए और बी जीरो तो नहीं होने चाहिए ठीक है सो so, ऐसा जो हमारे पास इक्वेशन आ जाए वो क्या कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स क्लियर है एंड यहाँ ए बी सी क्या है रियल नंबर को बिलोंग करते हैं ऑलरेडी हम यहाँ देख चुके हैं अब एग्जाम्पल हम यहाँ देखें जैसे कि थ्री एक्स प्लस टू वाईस टू सेवन अब आप बोलोगे यहाँ तो फॉर्मेट अलग है ये फॉर्मेट से तो ये मैच ही नहीं कर रहा चलिए इसको एक तरीके से लिख के दी हूँ यहाँ पर है थ्री एक्स प्लस टू वाई इस सेवन को मैं इक्वल के उस साइड भेजूँगी अगर लेफ्ट साइड में भेजती हूँ तो ये इस प्लस का सेवन है यहाँ के माइनस का सेवन हो जाएगा और यहां बचेगा जीरो अब आप इस इक्वेशन को देखो और यहां पर इस फॉर्मेट सॉरी इस फॉर्मेट को देखो यहां पर है थ्री एक्स यहां ए एक्स दैट मींस यहां पर ए की वैल्यू क्या है थ्री क्लियर नाउ यहां पर प्लस टू वाई दैट मींस प्लस बी वाई तो बी की वैल्यू क्या हो गई टू ठीक है और यहां प्लस C, यहां पर है माइनस दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर सेवन नहीं माइनस सेवन क्योंकि बाहर क्या है पॉजिटिव है सो so, यहां पर इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूं देखो थ्री एक्स प्लस टू आई प्लस माइनस सेवन इक्वल टू जीरो बन गया फॉर्मेट से इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी कहलाएगी क्लियर है चलिए आगे देखिए द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ अब यहां कुछ कंडीशन भी दी हुई है क्या कंडीशन दी है कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स तभी कहलाएगी मतलब वो तभी होगी जब नाइदर एक्स नॉर वाई इज अंडर अ रेडिकल साइन रेडिकल साइन दैट मीन्स अंडर रूट हम जो यूज़ में लेते हैं इन्हें हम रेडिकल साइंस में लेते हैं ठीक है रेडिकल साइन जो होते हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमने बात की है रियल नंबर्स की ठीक है तो हमें यहाँ रियल नंबर्स की बात करनी है अब यहाँ देखिए द इक्वेशन इज इज द लीनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इफ नाइदर एक्स एंड वाई इज अंडर अ रेडिकल साइन मतलब एक्स और वाई रेडिकल साइन के अंदर नहीं आने चाहिए मतलब एक्स और वाई रूट में नहीं होने चाहिए ठीक है चलिए आगे देखिए अच्छा अब अच्छा, रूट में क्यों नहीं होनी चाहिए ये कोई देख सकता है क्योंकि जब वो रूट में आता है तो उसके ऊपर पावर क्या आ जाती है वेरिएबल के ऊपर हाफ पावर क्या हो जाएंगी या फिर हाफ हो जाएंगी या फिर थ्री बाई टू ऐसे आ जाएंगी तो पावर क्या हो जाएंगी वन हमें क्या चाहिए लीनियर इक्वेशन वो तभी कहलाएगा जब पावर क्या होगी वन ठीक है चलिए आगे देखिए सेकेंड नाइदर नॉर वाई इज इन द डिनोमिनेटर कोई सी भी इक्वेशन हो अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो कभी भी वेरिएबल्स नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होंगे ठीक है आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं टू वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख रही हूँ तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा ठीक है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स वो कहाँ आ गया है डिनोमिनेटर में तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो कभी भी जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे ठीक है आगे द एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट क्या होते हैं पावर जो पावर लगती है वेरिएबल के ऊपर ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज वन और हमेशा जब अब बात ही हमने लीनियर इक्वेशन की की है ये तो बेस ऑफिश वही है ऑफकोर्स की लीनियर इक्वेशन है लीनियर मतलब पावर क्या होगी वन बस वही स्टेटमेंट में दे दिया कि वो लीनियर इक्वेशन तभी तो कहलाएगी जब वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या होगी हमेशा वन होगी क्लियर है बिल्कुल ये तो हमने भी बेसिक पढ़ा है जो हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में पढ़कर आ चुके ठीक है चलिए अब सेम वही चीज है जैसे हमने वन वेरिएबल का पढ़ा था वैसे ही सेम यहाँ पे टू वेरिएबल्स का दिया हुआ है कुछ डिफरेंट नहीं है ओके okay? अब यहां पर बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अब सॉल्यूशन किस तरीके से हम यहाँ निकालेंगे वो सब अभी हम देखेंगे एक एक करके अब देखिए द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिसफाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अभी हमने ये देखा था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है एक्चुअल में वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है ठीक है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलूँ या किसी भी इक्वेशन का मैं रूट बोलूँ रूट ऑफ द इक्वेशन या मैं बोलूँ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो वो क्या होते हैं वो एक्स और वाई की एक ऐसी पॉसिबल वैल्यूज होते हैं जिस जो क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं दैट मीन्स उनके जो लेफ्ट लेफ्ट साइड और राइट right साइड को क्या कर देते हैं इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो जो ना वो जो वैल्यूज होती है एक्स एंड वाई की वो क्या कहलाती है हमारी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाती है या हम कह सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्लियर है बिल्कुल चलिए आगे देखिए इन फैक्ट दिस इज अ ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन और ये कि सभी लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है ट्रू है सच है क्या सच है दैट इज ईच सॉल्यूशन एक्स एंड वाई एक्स और वाई का जितने भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल ऐसी टू वेरिएबल की इक्वेशन की सो so ये जो फॉर्मेट है कॉरसफॉन्न टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा क्या मतलब निकला इसका चलिए अब इसको समझो किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन इसकी बनाई टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू नाइन ठीक है अब इस लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया मैंने एक इक्वेशन की, की फॉर्म में ओके अब यहां पर बोला क्या गया है अब ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन की है ठीक है ना ये जो लाइन है इसी की तो इक्वेशन है ये तो एक्स वाई की जो भी वैल्यूज मैं पुट करूंगी तो वो इस वो जो भी मेरे पास आंसर आएगा जो भी पॉइंट मेरे पास आएगा वो किसका ही होगा इस लाइन का ही एक पॉइंट होगा तो यहाँ पे यही बोला है कॉरसपॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा दैट मीन्स जो लाइन हमने ड्रॉ करी है जिस भी इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ करी है तो उस उस इक्वेशन के जो भी पॉसिबल रूट्स या सॉल्यूशन होंगे उनके जो पॉइंट्स मेरे पास निकलेंगे वो पॉइंट इस लाइन में से ही कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा

सेटिस्फाई करेंगे ओके okay? जो यहां पर सॉल्यूशन इस तरीके से भी हम यहां पर देख सकते हैं ओके okay? चलिए आगे देखिए सेम एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वस टू जीरो आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर आराम से नाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो उसी फॉर्मेट में सेम फॉर्मेट में देखिए सारे के सारे जितने भी हैं एफ फाइव एक्स इक्व टू वाई एंड माइनस सेवन एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई इक्व टू सेवन एंड सेवनटीन इक्व टू वाई ये सभी क्या हैं हमारे लीनियर इक्वेशन हैं एंड टू वेरिएबल्स ओके चलिए लेकिन यहाँ पर ये एक ही वेरिएबल है इसलिए ये वन वेरिएबल ठीक है जहाँ दो वेरिएबल्स हैं दो दो टू वेरिएबल्स हैं थ्री होंगे तो थ्री वेरिएबल्स होंगे ओके चलिए अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देखें अभी तक हमने जो बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी इक्वेशन जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका बेस हमने देख लिया कि वो एक्चुअल है क्या पढ़ किसके बारे में रहे? अब उसका हम ये देखेंगे यूज़ कैसे करना है ठीक है किस तरीके से हम उसको आगे चैप्टर या क्वेश्चन सॉल्व करने में किस तरीके से ये ही लीने किस तरीके से हमारी मदद करती है चलिए अब हम एक क्या करते हैं एग्ज़ाम्पल करते हैं अभी तक हमने बेसिक देख लिया है किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस होती हैं किस टू वेरिएबल्स कैसे उसमें आएंगे और जितने भी हमने इसमें बेसिक हमने पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं अब ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा है ये हमारे रियल लाइफ में या किसी सिचुएशन में किस तरीके से हमारी हेल्प है करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो हम यहाँ पर अब देखेंगे ओके चलिए पहला एग्जाम्पल यहाँ देखिए रोमिला वैन टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर्स फॉर रुपीज नाइन ठीक है रोमिला एक स्टेशनरी जैसा स्टेशनरी होता है जहाँ पे कॉपीज किताबें ये सब मिलते हैं स्टेशनरी के सामान वहां वो गई शॉप पे ठीक है अब वहां पर उसने क्या खरीदा क्या क्या खरीदा टू पेंसिल्स दो तो उसने पेंसिल खरीदी एंड थ्री इरेजर्स ठीक है थ्री इरेजर्स खरीदे और कितने रुपए लगे उन्हें खरीदने में नाइन रुपीज उसके खर्च हो गए ठीक है हर फ्रेंड सोनाली अब उसकी जो फ्रेंड है सोनाली वो गई सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट फोर पेंसिल एंड सिक्स इरेजर तो अब यही होता है एक खरीदा है, तो दूसरा भी उसको देख के क्या कर लेता है खरीद लेते हैं सेम वही चीज़ है यहाँ रोमिला गई उसके साथ सोनाली गई थी उसका भी जीजा चाया कि बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ तो, तो मैं भी खरीद लेती हूँ ठीक है ऐसा ही होता है तो हर फ्रेंड सोनाली तो उसकी सोनाली जो फ्रेंड है उसने क्या करा उसने भी उसके साथ फोर पेंसिल्स और सिक्स इरेजर खरीद लिए अब जब उसने खरीदे तो उसका कॉस्ट क्या पड़ा उसे रुपीज़ एटीन रोमिला ने खरीदे थे टू पेंसिल एंड थ्री इरेजर्स फॉर रुपीज नाइन नाइन रुपीज में उसने टू पेंसिल और थ्री इरेजर खरीदे और साथ ही साथ जब सोनाली ने क्या खरीदा सोनाली ने फोर पेंसिल और सिक्स इरेजर कितने में खरीदे रुपीज एटीन में ठीक है अब ये हमें स्टेटमेंट दिया गया एक सिचुएशन हमें बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है ओके नाउ पूछा क्या है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली दैट मीन्स हमें इसको क्या करना है वैल्यू में भी बताना है और साथ में ग्राफ में भी बताना है किस तरीके से बताएंगे अब ग्राफ कैसे बताएंगे कि ग्राफ में कैसे किस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे ग्राफ में तो लाइंस होती है कर्व्स होते हैं तो हम उन कर्व्स को लाइंस को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे किस तरीके से हम बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम पेंसिल और इरेजर की ओके okay? सो so, यहां पर इक्वेशन किस तरीके से बनेगी मान लेते हैं कि पेंसिल को हम बोल देते हैं एक्स और यहाँ इरेजर को हम क्या बोल देते हैं वाई ठीक है चलिए अगर उन्होंने टू पेंसिल खरीदी है तो मैं मान के चलती हूँ कि पेंसिल सिर्फ वन पेंसिल की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे लिखा है लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल मतलब वन पेंसिल की जो कॉस्ट है उसे मैं क्या मान के चलती हूँ रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ वन इरेजर उसको मैं क्या मान के चलती हूँ रुपीज वाई देट मीन्स एक पेंसिल की कॉस्ट तो एक्स रुपए है हमें नहीं मालूम लेकिन हम मान लेते हैं एक्स रुपए ओके और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है वाई रुपीज है नाउ अब इसको देखें हम ये जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं नंबर्स दिए गए हैं अगर इसको देखें तो इसको इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन बनाना आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए अगर इक्वेशन में कुछ गलत है दैट मीन्स पूरा आंसर हमारा गलत है ठीक है तो फर्स्ट स्टेप है आपका ये इक्वेशन फॉर्म करना इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी ध्यान देना अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो टू पेंसिल की कीमत कितनी होगी टू पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी बताओ एक की अगर x है तो टू की कितनी होगी टू एक्स थ्री की कितनी होगी थ्री एक्स फोर की कितनी होगी फोर एक्स यही होता है सो तो यहाँ पर जो हमारे रोमिला थी उसने दो पेंसिल खरीदी मतलब दो पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 2x और साथ ही साथ उसने थ्री इरेजर खरीदे थे तो एक इरेजर की कॉस्ट कितनी थी y रुपीज और साथ ही साथ उसने थ्री खरीदे हैं दैट मीनस थ्री बाय तो दोनों यहाँ पे किस में आ गए रुपीज में आ चुके हैं ये दोनों और इन दोनों की कॉस्ट कितनी थी टोटल दिया गया था हमें नाइन रुपीज सिमिलरली हमने सोनाली के को भी क्या कर दिया सोनाली ने जो खरीदा उसे भी हमने इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया जैसे फोर तो पेंसिल प्लस सिक्स इरेजर ये कॉस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और कॉस्ट कितना पड़ा था टोटल उसको 18 दैट मीन्स हमने यहाँ पे सम कर दिया दोनों का तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन आ गई है अब आप यहां ध्यान दोगे कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर थी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है इक्वेशन में और यही सबसे मेन पार्ट है कि आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए क्लियर है ये अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है तो मतलब मान के चलो कि आपने थर्टी परसेंट क्वेश्चन का थर्टी या फोर्टी परसेंट पार्ट आराम से कंप्लीट कर लिया मेन यही रहता है ओके okay? चलिए आगे बात करते हैं नाउ टू ऑपटीन द इक्वल एंड जोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन टू पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन दैट इज वी फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन नाउ अब मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं सॉरी दो हैं ये भी पता है ठीक है अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वस टू नाइन एंड फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्व टू एटीन अब मुझे करना क्या है देखिए करेंगे क्या हम <coughs> मैंने क्या किया ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी क्या थी फर्स्ट इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी थ्री एक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू नाइन ये थी फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या किया इसको वाई को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया वाई की मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो क्या निकलेगी नाइन माइनस टू एक्स अपॉन थ्री आप अब यहां ध्यान दीजिए मैंने क्या किया वाई को अलग कर दिया और किसके फॉर्म में लिख दिया एक्स की फॉर्म में अब ऐसा क्यों किया अब आप देखो जब भी आप ग्राफ यहाँ पर निकालोगे तो अफकोर्स आपको ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं पुट करने के लिए मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए ठीक है अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पता होगी अब ऐसे तो हम वैल्यू नहीं रख सकते तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू खुद से रखना स्टार्ट करेंगे कैसे जैसे मैंने पहले एक्स की वैल्यू क्या रख दी जीरो जैसे ही मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखी तो मेरे पास क्या आ गया नाइन अपॉन थ्री दैट मीन्स मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई थ्री आ गई ठीक है दूसरा आप रखो अच्छा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप कोई वैसे तो रख कुछ भी सकते हो जीरो रखो वन रखो टू रखो थ्री रखो तो बेस्ट पार्ट ये है पहले तो एक बार एक्स को जीरो रखो वाई की वैल्यू देखो फिर एक बार वाई को जीरो रखो और एक्स की वैल्यू देखो तो जैसे ही आप y इक्व टू जीरो रखते हो तो यहाँ पर टू एक्स इक्व टू नाइन बचेगा और साथ ही साथ ये टू अपॉन में चला जाएगा तो फोर पॉइंट फाइव आ गया बस दो या तीन आप निकाल लीजिए वैल्यू बस अब उसको पुट कर दो पुट करेंगे चलिए पहला वाला मैं यहाँ पुट कर रही हूँ एक्स तो की वैल्यू जीरो है तो वाई क्या है थ्री तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू थ्री मतलब पहला पॉइंट मेरा यहां पर आ रहा है ठीक है दूसरा यहाँ पर y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू फोर पॉइंट फाइव y की वैल्यू मींस y तो मेरा जीरो रहेगा और एक्स कितना रहेगा फोर पॉइंट फाइव दैट मीन्स यहां बीच में इधर आ गई वैल्यू ओके बस अब आपको जैसी दो पॉइंट मिलते हैं बस आप इनको ज्वाइन कर दो जैसी आप ही ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन मुझे मिली है ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन को जो मेरे पास ये इक्वेशन थी इसको क्या करती है रिप्रेजेंट करती है सो so, ये जो लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू नाइन को ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या थी हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ पर थी फोर एक्स प्लस सिक्स वाई टू एटीन यही थी दूसरी इक्वेशन उसने फोर पेंसिल और सिक्स इरेजर खरीदे थे तो और टोटल कॉस्ट कितना पड़ा था हमारा एटीन रुपीज़ पड़ा था ओके सो so यहाँ पर ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन से क्या किया उन्होंने वैल्यूज निकाली अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे एक बार आप एक्स को जीरो रखो दूसरी बार वाई को जीरो रखो पहले उन्होंने एक्स को जहाँ जीरो रखा तो जैसी आप एक्स को जीरो करोगे यहाँ क्या बचेगा सिक्स वाई इक्व टू एटीन और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स थ्री जी एटीन दैट इज यहाँ पर जीरो रखते ही वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी थ्री आ गई पुट क, इसको बोट चलो बाद में करते हैं बाद में दूसरी बात करते हैं इन्होंने यहाँ वाई की वैल्यू वन और ऊपर थ्री रख रखा है आप कुछ और भी रखो तो भी आपका आंसर आएगा देखिए कैसे अच्छा यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कि y की वैल्यू अगर मैं जीरो रख देती हूँ ठीक है पहले मैंने x की वैल्यू जीरो रखा मैं y की वैल्यू ज़ीरो रख देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा एटीन अपॉन फोर अब इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जीरो नहीं रखा क्योंकि इनका क्या आ रहा है आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है और ये फ्रैक्शन में करना नहीं चाहते ठीक है इसलिए इन्होंने यहाँ जीरो नहीं रखा लेकिन एक बार हम करके देखते तो कितनी बार कैंसिल होगा फोर फोर 16 सिक्सटीन सेवनटीन एटीन फोर पॉइंट फाइव फोर फोर जिक्सटीन सेवनटीन एटीन फोर फाइव तो जीरो रखते ही फोर पॉइंट फाइव आ रहा है अब आप यहां पर चाहो इनमें से कोई सही पॉइंट इन्होंने देखो जैसे वाई वन रखा जैसे वन वाई रखा तो यहां पर आ गया हमारे पास सिक्स कैंसिल होते ही यहां पे बचा ट्वेल्व और फोर थ्री जर ट्वेल्व तो इस तरीके से वैल्यू आ गई ठीक है एक की वैल्यू रखो एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो अपनी तरफ से दूसरे की निकाल लो अब इनको पॉइंट में यहां पर हम रखें ठीक है ना ग्राफ में तो एक्स की वैल्यू जीरो पर वाई की वैल्यू क्या है थ्री है एक्स की वैल्यू जीरो पर वाई की वैल्यू क्या है थ्री है दैट मीन्स पॉइंट कहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू जीरो अच्छा एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू थ्री तो पॉइंट कहाँ आ रहा है यहीं पर ही आ रहा है ओके okay? दूसरा x की वैल्यू थ्री रखने पर y वन आ रहा है x की वैल्यू थ्री रखने पर y क्या आ रहा है यहाँ वन तो एक पॉइंट यहाँ आ गया अभी भी देखो ये ज्वाइन करोगे तो वापस वही लाइन बन रही है ठीक है तीसरा जो हमने निकाला अभी फोर पॉइंट फाइव और जीरो वाई की वैल्यू जीरो रखो आप y की वैल्यू जीरो रखी तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव कहाँ पर आता है देखो यहाँ पर पॉइंट्स हमें वही मिल रहे हैं और यही लाइन हमें दोबारा मिल रही है means, ये लाइन दोनों इक्वेशन को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है ये जो है, ये जो लाइन है इस इक्वेशन को भी और इक्वेशन दोनों को ही क्या करेगी रिप्रेजेंट करेगी ओके क्लियर है बिल्कुल तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया हमारा जोमेट एल्जेब्रिक ओके क्लियर है चलिए आगे <coughs> तो ये जो लेक्चर है हमारा यहीं पर एंड होता है बट ये जो चैप्टर है इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू